हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। तो आज है 7 अक्टूबर और कल 6 अक्टूबर था। और कल मैंने अपने 4 धाम की यात्रा कंप्लीट कर ली। कल मैं बद्रीनाथ धाम में था और कल दोपहर लगभग 2:30 बजे से मैं चला हूँ और आज सुबह मैं ऋषिकेश पहुँचा हूँ। तो आज का दिन मेरा पूरा है ऋषिकेश घूमने का। तो आज पूरे दिन मैं ऋषिकेश एक्सप्लोर करूँगा और कल मेरा प्लान है देहरादून जाने का। तो ऋषिकेश में जो भी जगहें आज पूरे दिन देखता हूँ कौन कौन सी जगह कवर होती हैं। अभी मैं हूँ लक्ष्मण झूला के जस्ट नीचे, जो लक्ष्मण झूला नहीं, राम झूला के नीचे जस्ट जो घाट है उसके पास हूँ मैं, क्योंकि लक्ष्मण झूला अभी बंद है बहुत दिनों से। तो राम झूला के नीचे जो घाट है ना, मैं वहीं पर भी हूँ। ये देखिए, ये है राम झूला। चार धाम से लौटकर ऋषिकेश पहुंचकर मैं इतना थक गया था कि मैं ऋषिकेश में भी ज़्यादा घूम नहीं पाया। ऋषिकेश में मैं अपने होटल से जब निकला था तो मैं बस एक ही जगह जा पाया ऋषिकेश में। वहाँ पे एक घाट है जहाँ पे राम झूला के नीचे जो एक घाट है, मैं बस उस तरफ ही गया था और थकावट इतनी हो गई थी कि फिर मैं लौटकर अपने होटल के रूम में चला गया था। और उस दिन ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत तेज धूप था और पहले से ही 4 धाम 10 दिन का जो थकावट था 4 धाम का, उस कारण से मैं ऋषिकेश में मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया और मैं बस घाट तरफ गया और फिर लौटकर अपने होटल चला गया आराम करने को। ऋषिकेश से एक दिन रुकने के बाद अगले दिन मैं देहरादून गया था और देहरादून से फिर उसके बाद मैं मसूरी घूमने गया था। तो आगे के आने वाले ब्लॉग में आप देखोगे कि मैं देहरादून गया और देहरादून से मैं रात में रुकने के बाद मैं अगला दिन फिर मसूरी घूमने गया था और मसूरी में भी ज्यादा जगह मैं घूम नहीं पाया था, बस एक जगह ही केम्प्टी फॉल गया था। और फिर आगे वाले ब्लॉग में आप देखोगे कि मैं केम्प्टी फॉल गया था और केम्प्टी फॉल में ही पूरा दिन निकल गया था, फिर लौटते हुए देहरादून चला गया था।
है।